हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स नवंबर मंथ के। यहाँ पर मैंने आपके साथ 1 से 10 नवंबर तक के करंट अफेयर्स शेयर करे हैं, तो आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में नवंबर मंथ से क्वेश्चंस आए तो आज का लेक्चर बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो इसलिए ध्यान से देखना, पूरे लेक्चर को 50 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फाइनेंस मिनिस्टर। और फाइनेंस मिनिस्टर है कौन? अरुण जेटली। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो कि FSDC का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। दूसरी चीज़ कि इसके चेयरपर्सन कौन है? अरुण जेटली। RBI गवर्नर है हमारे उर्जित पटेल, फाइनेंस सेक्रेटरी है हसमुख अधैया और सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप वेब बेस्ड टूल टू मॉनिटर फेक न्यूज ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। तो कौन से कंट्री के रिसर्चर्स ने एक वेब बेस्ड टूल को डेवलप किया है ताकि वो फेक न्यूज़ का पता लगा सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द फर्स्ट एवर इंडिया US डायलॉग ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वॉज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। इंडिया US डायलॉग ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी सिटी में हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना इसको, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन वीमेन टेबल टेनिस प्लेयर हैज़ वन सिल्वर एट अंडर 21 बेल्जियन ओपन। तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 2, आहिका मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्चर्स ऑफ विच IIT हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड माइक्रोप्रोसेसर। तो कौन सी IIT के रिसर्चर्स ने इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड माइक्रोप्रोसेसर को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, IIT मद्रास। ये मैं पहले भी आपको एक लेक्चर में बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये जो इन्होंने माइक्रोप्रोसेसर डेवलप किया है, ये इन्होंने किया है कौन से प्रोजेक्ट के अंडर? प्रोजेक्ट शक्ति के अंडर। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट शक्ति के अंडर इनको 6 टाइप के माइक्रोप्रोसेसर डिज़ाइन करने हैं। तो इन 6 टाइप के माइक्रोप्रोसेसर में से जो पहले टाइप का माइक्रोप्रोसेसर है वो ये डिज़ाइन कर चुके हैं, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है राइस क्रीक। तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट टाइप के माइक्रोप्रोसेसर है उनका नाम है राइस क्रीक। इस माइक्रोप्रोसेसर के अंदर 300 चिप्स हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, प्रोजेक्ट का नाम और जो पहले टाइप के माइक्रोप्रोसेसर हैं उनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज द यंग इनोवेटर्स प्रोग्राम 2018। कौन सी IIT ने यंग इनोवेटर्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, IIT खड़गपुर। तो ये ऑर्गेनाइज किया था IIT खड़गपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ रिसेंटली डोनेटेड $3 लाख फॉर पीस कीपिंग इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन ऑन इश्यूज ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। तो ये $3 लाख इंडिया ने किसको डोनेट किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, UN, यूनाइटेड नेशंस को इंडिया ने ये डोनेट करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड $75 बिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। इंडिया ने $75 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इनमें से कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जापान। जापान के साथ इंडिया ने ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसके अंडर कोई भी लोन या डेब्ट का कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो ये डॉलर में नहीं करेंगे, वो ये करेंगे इन दोनों कंट्रीज़ की करेंसी में। ठीक है, तो इंडिया की करेंसी रुपी में और जापान की करेंसी येन में। तो ये है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज द 2018 संगाई फेस्टिवल टू बूस्ट टूरिज्म। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो संगाई फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मणिपुर। मणिपुर में होगा संगाई फेस्टिवल 2018। मणिपुर जो है, यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है नजमा हेप्तुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 2018 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जेयर बोल्सोनारो। तो ये रिसेंटली ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एट द 2018 एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2018 की हुई है, उसमें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आकाशदीप।
आकाशदीप सिंह को मिला है बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड, और ये जो एशियन मेंस हॉकी टूर्नामेंट है ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था मस्कट, ओमान में, और जिसका फाइनल मैच था वो बारिश के कारण नहीं हो पाया, इसलिए इसमें इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों को विनर डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि फाइनल मैच इन दोनों के बीच में था और बारिश के कारण वो रुक गया था। तो ध्यान रखना, इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों विनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड? आयरलैंड के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माइकल डी हिगिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नोबेल प्राइज विनर विल बी ऑनर्ड बाई हॉवर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हर वर्क प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन? इनमें से कौन सी नोबेल प्राइज़ विनर को हॉवर्ड यूनिवर्सिटी ऑनर करेगी क्योंकि उन्होंने गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशवंत दियो हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द वेटरन पर्सनैलिटी ऑफ विच फील्ड? यशवंत दियो किस फील्ड से रिलेटेड है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, म्यूजिक। यशवंत दियो जो है ये मराठी म्यूजिशियन थे। हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट? बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नरेश हरीशचंद्र पाटिल। अभी रिसेंटली काफ़ी सारे चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया है हाई कोर्ट्स के, तो उन सबकी लिस्ट ये है। देखिए, अगस्त से लेकर नवंबर तक ये सारे के सारे चीफ जस्टिस जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं। आपको यहाँ पे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को याद नहीं करना, आपको याद करना है कौन सी कोर्ट के कौन चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप अगस्त से लेके अक्टूबर तक याद कर लीजिए। नवंबर भले ही आपसे अगर नहीं याद होता तो आप मत कीजिए, लेकिन अगस्त से लेके अक्टूबर तक पक्का इनको याद कर लीजिए, इनमें से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट अंडर वन रूफ हैज़ ऑफिशियली ओपन इन विच सिटी? दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अंडर वन रूफ जो है वो कौन सी सिटी में ओपन हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इस्तानबुल। इस्तानबुल में ये ओपन हुआ है, और इस्तानबुल जो है ये कहाँ है? टर्की में। टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा, और इसकी करेंसी है लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट जस्टिस सिटी विल कम अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? इंडिया की पहली जस्टिस सिटी जो है वो इनमें से कौन सी सिटी में खोली जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमरावती। ये अमरावती में खोली जाएगी। अमरावती जो है ये कैपिटल सिटी है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस चा हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द नोटेड जर्नलिस्ट एंड मार्शल आर्ट्स नोवेलिस्ट ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हांगकॉन्ग। ये हांगकॉन्ग के जर्नलिस्ट और मार्शल आर्ट्स नोवेलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट ऑफ विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड लेस पोल्यूटिंग फायर क्रैकर्स नेम्ड स्वास, सफल एंड स्टार? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, CSIR। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये लेस पॉल्यूटिंग फायर क्रैकर्स को डेवलप किया है। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर 2018 एज्यूताचन पुरस्कारम द हाईएस्ट लिटरेसी प्राइज ऑफ द केरला गवर्नमेंट? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एम मुकुंदन। इस क्वेश्चन को आप गलत मत करना, 2018 के हैं एम मुकुंदन। के सच्चिदानंद जो थे इनको मिला था 2017 के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ ऑफिशियली बीन इंडक्टेड इन टू द ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम? तो इनमें से कौन से क्रिकेटर को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को ये अवार्ड मिला है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सौरा जलनिधि स्कीम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने सौरा जलनिधि स्कीम को लॉन्च किया है। यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडाइज रेट में वहाँ के फार्मर्स को सोलर पंप देगी ताकि उन फार्मर्स की मदद हो सके इरिगेशन में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन एशियन स्नूकर टूर इवेंट? इनमें से कौन सी इंडियन ने एशियन स्नूकर टूर इवेंट जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सॉवरेन ब्लू बॉन्ड? सॉवरेन ब्लू बॉन्ड जो है वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सेशल्स। सेशल्स ने सॉवरेन ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया है। सॉवरेन ब्लू बॉन्ड जो है वो सेशल्स के मराइन और फिशरीज जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। सेशल्स की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है विक्टोरिया, और करेंसी है रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली इंडियन फिल्म हैज़ बीन इंक्लूडेड इन BBC's 100 बेस्ट फॉरन लैंग्वेज फिल्म लिस्ट ऑफ द 21st सेंचुरी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पथेर पंचाली। द झारसुगुड़ा एयरपोर्ट ऑफ उड़ीसा विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच एमिनेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ द स्टेट? तो जो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट है उड़ीसा का, उसका अब नाम चेंज हो जाएगा तो
तो जो नाम है वो कौन से फ्रीडम फाइटर के नाम पे रखा जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुरेंद्र साई। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट है ये है कहाँ पर? उड़ीसा में, और इसका जो नया नाम है वो रखा जाएगा सुरेंद्र साई के नाम पर। नेक्स्ट है, विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन नेम्ड एन ऑफिशियल पार्टनर ऑफ FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018? तो जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 है वो इंडिया में होने वाला है, इंडिया में कहाँ? भुवनेश्वर में। तो इसका ऑफिशियल पार्टनर किसको चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टाटा स्टील। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखना, टाटा स्टील बना है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का ऑफिशियल पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टू होस्ट द 23rd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कॉर्पोरेट गेम्स? वर्ल्ड कॉर्पोरेट गेम्स जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर 2018 वर्ल्ड सिटीज़ डे? तो यूनाइटेड नेशन का जो 2018 का वर्ल्ड सिटीज़ डे है उसकी थीम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट सिटीज़। वर्ल्ड सिटीज़ डे मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ लोन पैक्ट ऑफ रुपीज़ 18.17 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द तुर्गा पम्प स्टोरेज इन वेस्ट बंगाल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जापान। इंडिया ने ये जो पैक्ट है ये जापान के साथ साइन किया है तुर्गा पम्प स्टोरेज के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 2018 वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप? तो जो 2018 का वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज द वेन्यू ऑफ 2018 इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल? इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शिलोंग। शिलोंग में होता है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। शिलोंग कहाँ है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ टॉप्ड द ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स 2018 इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता। कोलकाता ने यह टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वॉज द इंडियाज लोन एंट्री एट द रोम फिल्म फेस्टिवल 2018? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर। ये जो फेस्टिवल हुआ था इसमें इंडिया जो थी वो पार्टनर कंट्री थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAMAI हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड विच ARVR कमिटी टू प्रमोट द टेक्नोलॉजीज इन इंडिया? IAMAI का मतलब इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसने एक ARVR कमेटी बनाई है। AR मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी और VR मतलब वर्चुअल रियलिटी, टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए। तो ये कौन सी कमेटी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नम्रिता महिंद्रो कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट WHO ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो पहली WHO ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो है एयर पोल्यूशन और हेल्थ पे वो कौन सी सिटी में हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जनेवा। ये हुई है जनेवा के अंदर और इसकी थीम थी इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, सेविंग लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लिटिल गेट विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो इंडिया लिटिल गेट जो है वो कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मैदान में। मैदान जो है ये इंडोनेशिया में है। ऑन विच डेट द 2018 वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व? तो इसका आंसर है नवंबर 5। तो 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे जो है वो मनाया जाता है। 5 नवंबर को एक और डे मनाया जाता है, वो कौन सा है? नेशनल आयुर्वेद डे ऑफ इंडिया। और इस डे की थीम क्या थी? इस डे की थीम थी आयुर्वेदा फॉर पब्लिक हेल्थ। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। 5 नवंबर को 2 डे मनाए जाते हैं, एक तो है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे और एक है नेशनल आयुर्वेदा डे ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट असिमेट्रिकल केबल स्टेट ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली। ये हुआ है दिल्ली में इनॉग्रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिग्नेचर ब्रिज जो है वो दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ है। और ये कौन सी रिवर के ऊपर बना है? ये बना है यमुना रिवर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अवार्डेड विच स्टेट पुलिस फॉर सिटीजन सर्विसेज अंडर एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट CCTNS? CCTNS का फुल फॉर्म क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। तो ये यूनियन गवर्नमेंट ने कौन सी स्टेट पुलिस को ये अवार्ड दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असम। असम की पुलिस को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नोटेड जर्नलिस्ट हैज़ बीन चूजन फॉर द प्रेस्टिजियस राजा राम मोहन रॉय अवार्ड? तो राजा राम मोहन रॉय अवार्ड जो कौन से जर्नलिस्ट को मिला है? इसका आंसर है
Option number 4, N. Ramco. Next question. Which company has received India's first letter of credit payment via blockchain? India ka pehla letter of credit payment jo hai blockchain ke through, wo kaun si company ko mila hai? To iska answer hai option number 3, Reliance Industries. Important question hai, ye bhi aap dhyan rakhna. Next question. Which sports journalist is the author of the book The Fire Burns Blue, A History of Women's Cricket in India? To iska answer hai option number 2, Karunya Keshav. ये जो बुक है ये दो जनों ने लिखी है, एक तो है करुण्य केशव और एक है सिद्धांत पाठक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यूली बिल्ट एकना क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. तो जो एकना क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सी सिटी में है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ. लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है और अभी यूपी की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एकना क्रिकेट स्टेडियम का जो नाम है वो चेंज होकर रखेंगे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. एक तो ये क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ? यूपी में. और दूसरी चीज़, इसका नाम चेंज होकर क्या होगा? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच रिनोड पर्सनैलिटी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ डिस्टिंग्विश्ड फेलो अवार्ड बाई इंडियन ग्लोबल इन बोस्टन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुपम खेर. अनुपम खेर को ये अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली गिवन नॉट फॉर अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली आंध्र प्रदेश को बोला है कि इनका नया हाई कोर्ट जो है वो बनाया जाएगा. पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों के हाई कोर्ट सेम थे और वो कहाँ पर थे? हैदराबाद में. अब क्योंकि तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है, इसलिए आंध्र प्रदेश का नया हाई कोर्ट बनेगा कहाँ पर? अमरावती में. अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल है और जो पहले वाला हाई कोर्ट था हैदराबाद में वो तेलंगाना का हाई कोर्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गैफूर रेखिमोव. इनको बनाया गया नया प्रेसिडेंट AIBA का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली रोल्ड आउट द टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एंड सिटीजन फ्रेंडली मो बस सर्विस? तो मो बस सर्विस जो है ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा. इसमें जितने भी बसेस होगी उसमें फ्री वाईफाई और CCTV लगाए जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली इंक्ड $172 million लोन पैक्ट टू मेक फार्मिंग वायबल इन आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक ने ये लोन दिया है किसको? आंध्र प्रदेश को. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा? लोकसभा के नए सेक्रेटरी जनरल किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्नेहलता श्रीवास्तव. स्नेहलता श्रीवास्तव बनी है लोकसभा की नई सेक्रेटरी जनरल. पहले भी स्नेहलता श्रीवास्तव ही थी इससे पहले और इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है. तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस. आई होप आपको अच्छा लेक्चर पसंद आया होगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.